नमस्कार दोस्तों, आज अपन 1857 की क्रांति के पार्ट नंबर 3 के अंदर आगे पढ़ेंगे। नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था, यानी इसका प्रारंभ जो हुआ था वह नसीराबाद से हुआ था। इसके निम्न कारण रहे, यानी यहाँ से प्रारंभ होने के इनके पीछे ये कारण रहे, जिसमें पहला कारण है उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉसेंस के सैनिक विद्यमान थे। यानी उस समय क्या हुआ करते थे, अंग्रेजों की दो टुकड़ियां हुआ करती थी, एक तो 15वीं और 30वीं दो नाम हुआ करते थे उनके। जो बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक हुआ करते थे वे उनमें विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी इनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत की गई। 15वीं इन्फेंट्री नेटिव ने भारतीय जो लोग थे उनके खिलाफ साजिशें रची और उन्हें एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना को जागृत करने के लिए वहाँ से शुरुआत की। दूसरा पॉइंट है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। शस्त्रागार जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं उनकी रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए थे। उनको कहाँ भेज दिया गया, नसीराबाद के अंदर। तीसरा पॉइंट है, इन दिनों बाजारों छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। उन्होंने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस का प्रचार किया जगह जगह पर। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं, इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैल गई। यानी इस कारण मतलब भारतीय सैनिकों के अंदर एक सोच पैदा होने लगे कि वो इनको ईसाई बनाना चाहते हैं और धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैल गई। चौथा पॉइंट है, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पोटिस वुड्स और कर्नल न्यू बोरी की हत्या कर दी, यानी दोनों की हत्या कर दी गई, स्पोटी वुड्स और कर्नल न्यू बोरी। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए, दो लोग घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। अंग्रेज के अधिकारी थे वो नसीराबाद से सीधे कहाँ चले गए, ब्यावर के अंदर चले गए। चर्च और अधिकारियों के बंगले में भी आग लगा दी, खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन पर विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई, यानी 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा बाकी लोगों को कई नुकसान नहीं पहुंचाया था। छावनी को तस नस करने के बाद विप्लवी सैनिकों के अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सन 1857 18 जून को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में डेरा डाले, अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। ये तो अपने नसीराबाद की क्रांति का पड़ा था। अब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरी क्रांति है जो कि नीमच में क्रांति। नीमच की क्रांति हुई थी, नसीराबाद की क्रांति की सूचना पर जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की।
इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंची, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान शॉवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ में की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। पहली नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। यानी उन्होंने 21 अगस्त 1857 को ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था। क्रांतिकारियों ने एरिनपुर स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गई। ये इन्होंने बहुत सारा मतलब माल था वो लूट लिया। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ पाली जिले में एक स्थित गांव में वहां के एक शासक हुआ करते थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुंची थी। यानी वो जो जोधपुर महाराजा दोनों के विरोधी था, अंग्रेजों एवं दोनों के विरोधी था। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन मारा गया, तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में 1857 आहुआ किले की इसी दरवाजे पर लटकाया गया था अंग्रेजों का सिर। ये जो किला देख रहे हैं इसके इसी के अंदर ये अंग्रेज अधिकारी का सिर लटकाया गया था। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया था। अंग्रेजों ने बहुत बुरा काम किया था, एक तो पूरे गांव को बुरी तरह से पहले लूटा, उसके बाद आहुआ का जो किला था उसको बारूद से भी उड़ा दिया गया है। इतनी ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और वहाँ के निवासियों पर भी भीषण अत्याचार किए गए। इस प्रकार ये अंग्रेजों ने कई क्रूर यातनाएं इन लोगों को दी। उसके बाद 1857 की क्रांति का बिगुल बजा मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में क्रांति। इस समय मेवाड़ की जनता ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था, यानी काफ़ी आक्रोश था, काफ़ी नाराज थी। इस प्रकार की ये राजस्थान के अंदर ये क्रूर यातनाएं कर रहे थे लोगों के साथ। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची, अतः मेवाड़ की फौजों भी अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान शावर्स ने कठोर रूप ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से भयित था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थी। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई सन 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने कप्तान सावर्स ने खुली चेतावनी दे दी थी। उसके बाद में यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों की चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, उन्होंने खुली चेतावनी दे दी थी। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निकाल कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इसी धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गई थी। उसके बाद राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर क्रांति का बिगुल बजा था। आइए कोटा के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसर को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें ये नाम ध्यान रखना जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, कांस्टेबल से लगा के जितने भी राजस्थान की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आरएएस तक लेवल के अंदर, उनमें कौन कौन से शामिल थे, एक जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई थी। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय किया। तद अनुसार 15 अक्टूबर सन 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कोटा के अंदर कब बजा बिगुल, 15 अक्टूबर 1857 के अंदर। उसके बाद में कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को भी घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारी ने मेजर बटन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। इस प्रकार ये अंग्रेजों ने क्रूर यातनाएं दी, इसलिए क्रांतिकारियों और वहां के निवासी लोगों ने इन पर भी लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी और उनके पुत्रों की हत्या कर दी। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गई। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, यानी बाध्य किया। इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि जिसमें 9 शर्तें थी, जिनमें से एक शर्त थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। आगे क्रांतिकारियों का कोटा सर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्रों के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर ए जी रॉबर्ट्स नसीराबाद ने
5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च सन 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। यानी कब पहुंचा? 5,500 सैनिकों के साथ 22 मार्च सन 1858 ईस्वी को चंबल के पास पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। इतनी क्रूर यातनाएं दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार ये राजस्थान के अंदर अपने ये आज प्रमुख छावनियाँ पड़ी हैं, इनके अंदर क्रांतियाँ का भी अध्ययन किया है। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।